अभ्याव द्वारा किया जा रहा है गरीब किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा। मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी भू माफिया द्वारा जमीन पर किया जा रहा है अवैध कार्य। मामला आगरा रोड के मियापुर गांव का बताया जा रहा है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राधिका दास ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। महाराज हमारा नाम है और हमने किसानों की समस्या को लेकर के, क्योंकि जिन्होंने हमारे पास हमारे संज्ञान में ये आई थी कि ये किसानों की विकास जैन ने जमीन हड़प ली है और तहसील से लेखपाल से और जज तक बेच लेता है, जो कहता है कि हम पूरे आगरे के जितने अधिकारी नेता जज हम सबको खरीद लेता हूँ, मेरे जितने किसान भाई वो जूती पे रहेंगे, मैं चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमने सोचा कि इन किसानों की समस्या को लेकर धरना देंगे, कोई ना कोई अधिकारी हमारी सुनेगा। तो इसको समस्या को लेकर हमने धरना दिया था और ये भी कहा था कि हम किसानों की समस्या जब तक हमारे समाधान नहीं होगा। सरकार तो लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाँ कर रही, तो हम कहाँ कर रही थी, यहाँ तो हम बहुत सारे साबुत दिखा सकते हैं। ये सब कोई समस्या नहीं, यहाँ तो आदमी को मारने की धमकी भी दी जाती है और परमिशन मतलब रिश्वत पे काम हो रही है। हाँ रिश्वत ली जा रही है और ये धमकी दे दी जाती है कि कोई रहा तो उसको मार दिया जाएगा। मेरा नाम जगदीश है सर, काम यहाँ पर कही है। वो अभी ये धरना देने की नौबत क्यों आई? धरना धरने की वजह इस वजह से आई नौबत, हमारे बाबा ने 2004 में जमीन बेची थी 4.5 बीघे 29 लाख रुपए में, उसमें भी ये चेक बाउंस हुआ 7 लाख का। उसके बावजूद कोर्ट में सिविल कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बाद हमने विमल गुप्ता को बेची थी, विमल गुप्ता से विकास जैन ले आया उस जमीनों को, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री मतलब करते चले आए थे और सिविल में कोर्ट में केस चल ही रहा है। किसान आदमी कहाँ तक कैसे इनसे पार पा पाएगा, ये पैसे वाले हैं। और दूसरी बात साहब, हमको 420 ही में 720 लगा करके हमें जेल में भिजवा दिया और गरीब 18-20 महीने हम रहे, 2 साल से गरीब रहे, उसमें हम करीब 5-6 लोग थे, सारे हम लोगों को जेल में भिजवा दिया उन लोगों ने। फिर हमें उसके बाद में हम जमान हमारे बाबा उसमें वही खत्म करवा दिए। अभी धरना का मेन उद्देश्य क्या है सर? इसमें उसके बाद में फिर भी मतलब हम जेल से बाहर आ गए, फिर भी उसने हम जेल फिर द्वारा भिजवा दिए, हमारे बच्चे भी भिजवा दिए, सारे परिवार डरा हुआ है सर। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही है सर, हम तो हमारी जमीन नहीं वापस हुई तो सर हम तो आत्महत्या करने को ही मजबूर है। और हमने धरना इस वजह से, हमारे किसान भाई थे उन्हें कि साहब हमसे करो, हम तुम्हारी हेल्प करवाते, देखो कैसे क्या है। धरना कब तक चलने वाला है सर? ये धरना तो जब तक चलेगा जब हमको इंसाफ नहीं मिलेगा सर। हम तो किसान आदमी है सर, आजकल से हमें खाने पीने को नहीं है सर, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे, अब क्या करें साहब? पता 2 साल होती है सर जेल में, बताओ छोटे छोटे बच्चे छोड़ने पर जी, बच्चे पढ़ना लिखना घर से निकलना भी बेकार।